Ryan Little. वेलकम टू माय अनदर वीडियो, इट्स मी मिता यान। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज का ब्लॉग ये है कि लॉकडाउन है, बरल ईद है, ईद भी है, कोई मजा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोरिंग ईद है, ना मजा ना कुछ। ये भाई हमारे लौट से आए हैं, इधर आए भाई जान, ये भाई लौट से आए हैं, इनसे पूछते हैं भाई कैसी ईद गुजरी आपकी यहाँ पे। बस यार अच्छी गुजरी है, लेकिन पहले जो थी ना वो मजा नहीं है, यही तो बात है ना सारी। के ब्लॉग में हम जनाब यशवान शाह साहब को भी लेके आए हैं, ये लाहौर से आए हैं स्पेशली इस बार ईद करने। पर मजा आ रहा है आपके ब्लॉग में आने के लिए, हम आए हैं लाहौर से इधर, मजा आ रहा है आपको? हाँ बहुत शौक है, गुजारिये सारी ईद। ये है कि चलते फिरते बच्चों से पूछते हैं आपकी ईद कैसी गुजरी है। दाऊद साहब आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी आज की बहुत अच्छी है, पर बोरिंग बहुत है। ये देखिए ये बच्चे डॉगी को लेके फिर रहे हैं अपने डॉगी को। ये अहमद साहब बहुत चवन इंसान है, ये अहमद साहब हमारे ट्विंग्स भाई हैं, और ये आपस में ही अपनी पिस्तौलों नकली पिस्तौलों के साथ आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ जी, ये बच्चे ईद मना रहे हैं अपनी नकली गन्नों के साथ। ये वाइफ साहब जा रहे हैं, ये ईद बोरिंग आज की। कैसी ईद गुजरी आपकी? मजा नहीं आ रहा? आ रहा आपको? बड़ा ना, मैं नहीं आ रहा। चलो जाएं। इमरान साहब हैं जी, भाई आपकी ईद कैसी गुजरी है? अच्छी गुजरी है, तो नीचे करके बताए ना। इनके दांत दो फुट आगे। हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला भट्ट साहब, जो के जिन्हें पीके के नाम से मशहूर तरीन है, वो ये भाई हैं। अब्दुल्ला आपकी ईद कैसी गुजरी है? थोड़ी अच्छी। क्यों भजा, क्या पेश आई आपको बताएंगे आप? मेरी शक्ल इतनी प्यारी है जो आपको इतनी अच्छी लग रही है, देखें मेरा आशिक हो गए, गलत बात है। जनाब यली है, यली इसका नाम हमने यली रखा हुआ। इस भाई के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भाई सरेआम मसला बेच रहे हैं। नौमी भाई आप सरेआम मसला क्यों बेच रहे हैं? ओए होए, इतनी इतनी महंगी महंगी गन्ने लगाई हुई, क्या क्या रेट जा रहा है गन्ने का? आप कितने की ले रहे हो भाई? कितने कितने वाली है आपके पास? अच्छी गन कितने की है? 1000 वाली भी है आपका? आपके पास लिसेंस है? भाई के साथ आया मैं इनको नवमी भाई से गन दिलवाने के लिए, आप देखते हैं कौन सी लेनी है भाई साहब। ये वाली कितने की? ये तौल के दिखाई देखिए, 1100। उन्होंने मेरे आने की वजह से ये गन का थोड़े से रेट हल्का कर दिया। हमने कान खरीद लिया है, अब इसका हमारे खिलाफ आपने कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेना, क्योंकि लाइसेंस भी ले लो। ये ईद बच्चे अपनी ईद ही गन्नों पे ईद आया कर देते हैं, पर हमारे जैसे बच्चे नहीं करते, क्योंकि हम बड़े। तो ये बच्चा बहुत कह रहा है कि YouTube में मेरी अपनी आप ब्लॉग में लेके आओ, इसको आप देख के आए। नौमी भाई ने कान तो ले आए, इनको स्कोप नहीं लगाना आ रहा कान को। ये देखे बंदे, बहुत सारे बंदे इस टाइम स्कोप लगाने में मजबूर हुए, मैं पर फिर भी नहीं लग रहा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं स्कोप लगाने की, बर्फ नहीं लग रहा भाई, क्या वजह कहाँ से लगेगा? लेके दे दिया बड़ा ले। एक खान के लिए हमारे साथ कस्टमर कितने आया? 1 2 3 और एक कैमरा मैन भी हमारे साथ। बड़ा खान बहुत अच्छी है, क्या दिखाए? ये कौन सी है? क्लैशन को मशीन गन है, क्या बात है। ये पीके साहब ले रहे हैं, ये पीके है। ऐसी खान बंदा दूर से लेके आ रहा हो, ऐसे लगता है कि असली खान है, बदल ये है नकली है। आज के ब्लॉग के मेंबर हैं जो कि मेरे साथ बाकी गाले हैं, सुभान है, आहद है, और ये वाहिब है, और ये दाऊद साहब है, और वो अहमद, और एक बंदा काम है जो कि साकिब है, वो आज अपनी नींद पूरी कर रहा है, क्योंकि ईद का मजा है नहीं तो सोना ही है ईद पार के। आपके अब उसको आप बात अगली वीडियो में ऐड करेंगे।
आज मैंने छोटा सा व्लॉग ही बनाया है क्योंकि मैं बाहर गया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, कोई चीज खुली नहीं है, दिल नहीं था बारा बाहर जाने का, पर मैंने अपनी गली की और बच्चों की और गन और ये चीजें आपको दिखाई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिर्जा यान को दीजिए इजाजत, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।